खुद मन रख कर आऊं बीच में चल रहा है इतनी आगे कौन जाऊं तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है 6:30 और एम उठ चुका है और देखो हाँ जी गुड मॉर्निंग बोल दो छुप को और इसको पता कैसे खिला रही हूँ सिर पे मैंने रखा है तभी इसको देख रहा है और हंस रहा है बहुत बाहर की देख लो गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी है मस्त मौसम है कूल मस्त मजा आ रहा है इरिटेट सा हो रहा है इसके ना नींद पूरी नहीं क्योंकि रात को लेट सोया जल्दी उठ कर मचा रखा इसने इस तरह का कोई काम ही नहीं करा मैं और मम्मी सुबह तो इसमें लग रही मम्मी भी उठा दी इसने रो रो पे और मैंने रात ने आके इतनी नींद आ रही थी मैंने डिनर ना करा मैं बिना डिनर करे सो गई तो अब सुबह ले रही हूँ ब्रेड अपना पीनट बटर ये पहल वाला और ये एमओ यहाँ खेल रहा अपनी दादी के साथ मस्त मजे में और मैं लूँगी दूध और ये और सामने का व्यू इंजॉय करते हुए बाहर बालकनी में मम्मी के चक्कर में नहीं निकल रहे तो वही थोड़ी सी एनर्जी लेकर आए दोनों मम्मी बेटी और यहाँ पर बना रहे हैं बैंगन का भरता दूध गर्म कर रखा है और मैं इधर डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े हमारे जो है ना कपड़े गंदे हो गए थे तो हमने सारे एक थैले में भर दिए थे वो डाल दूँगी अभी इसमें मैंने ले लिया था दूध और मम्मी और मित्तू के लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ कॉफ़ी का पाउच ले लिया चीनी वगैरह डाल दी दूध बॉयल हो जाए फिर डालूँगी और यहाँ पर बस मसाला हो गया अब इसमें मम्मी ने डाल दिया बैंगन देखो एमो के पापा गए नीचे जा रहे हैं गाड़ी में पापा गए गए पापा गए देखो एमओ के रिएक्शन देखना एमओ इसके साथ खेल रहा है चिड़चिड़ा हो रहा है थोड़ा भी इसको नहलाएंगे ये देखो कैसा मुंह बना रहा है और देखना इसको पत्ते खाएगा मुंह में और इसके रिएक्शन देखना ओहो गुस्से में हो रहा है वो तो नो ना हाँ क्या हुआ और मैं ले आई अपने कड़ी चावल मुझे लगी थी भूख मैं हो गया फुल रेडी भाई मेरी एक मीटिंग है बॉम्बे में यहाँ पे मैं जा के आ रहा हूँ मीटिंग में तो ये तब तक ये लोग रुकेंगे घर पे ही फिर उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए और मेरे को कुछ मॉल में भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेके आनी है तो वो लेके आऊँगा पहले मीटिंग करूँगा फिर देन वहाँ जाऊँगा फिर वापस घर आके फिर जाएंगे घूमने के लिए और बता दें भाई नई टी शर्ट पहनी है मैंने आज तो मित्तू का था कोई काम यहाँ पे तो वो चले गए थे और मैं और मम्मी थे रूम पे ही थोड़ी देर सो ली मैं तो भाई मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही थी और इसकी मस्ती देखो हाँ जी हाँ ये देखो पापा बेटा की मस्ती चल रही है यहाँ जो हमने कपड़े धुले थे ना उनकी प्रेस कर रहे हैं मम्मी भी यही बैठी है और सामने देखो सामने का नजारा धूप अभी जैसे ही धूप थोड़ी कम होगी फिर निकलेंगे बाहर के लिए घूम के आएंगे कहीं ना कहीं चुका है भाई एमी के चक्कर में ना पूरे दिन कहीं नहीं पाया जा पाया यार वो ना पूरे दिन चिड़चिड़ कर रहा था अभी जाके उसका तबीयत थोड़ी ठीक हुई है डॉक्टर से मैंने कंसल्ट कर लिया था जो इसका पर्सनल डॉक्टर है गुड़गांव से उनसे तो अभी ठीक है सारी चीज़ें ठीक है तो बस अब रेडी हो रहे हैं और आपको बाहर लेके चलेंगे आज दोबारा से घुमाएंगे मुंबई तो निकल लिए हैं हम लोग तैयार होके और मैंने जो फिर वॉश करा भाई आज एमओ हाँ मेरा बेटा बाहर जाने के लिए देखो कितना एक्साइटेड है हाथ नहीं रुक रहा इसका सो के उठाई अभी इसको उठा लाई और अंधेरा सा ही हो गया फोन साफ नहीं मेरा तो आज ना मम्मी ने हमारे डिमांड करी थी कि मैंने ना मेट्रो ना देख ली और वो देख लो लाइव मेट्रो जाने लग रही है वो देख लो ना बोली मैंने ना मेट्रो ना देख ली है गुड़गांव में रही मम्मी इतनी तेन पता ही कौन है कदे मम्मी जिक्र करा कौन है हमारे ध्यान ना रही आज दिन में कवे थी मेरे ते तो लो मम्मी ते कहते के साथ लाइव मेट्रो दिखा दी है तो वही जाते जाते ना पूरी अंधेरा हो जाता है कल भी ऐसे हुआ था आज भी ऐसे हो गया बट यहाँ पे ना शाम की वाइब भी अलग रहती है दिन में तो ऐसा रहता है बिल्कुल गर्मी गर्मी से और शाम होते ही ऐसा रंगीन रंगीन सा माहौल हो जाता है मम्मी फिर तैयार हो लिया डोलो लेके बोली डोलो चाहे मैंने 50 लेनी पड़ जा घूमूंगी पूरा बम्बई में भैया आगा तो देखा ही तो भाई अभी रास्ते में चलते चलते एक भाई मिल गए राजस्थान से यहाँ काम करते हो यहाँ अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है अच्छा अच्छा तो देखो ट्रैफिक में रुके हुए थे तो ऐसे मुलाकात हो जाती है भाइयों से
बिल्कुल। राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में नागौर। नागौर जिला से। फाइनली आज हम लोग आए गए जू बीच पे, हमें जो है ना पार्किंग मिल गई, आज खाली है। और ये देखो पापा बेटे, मैं और मम्मी नहीं लेते, एम्मी की ड्यूटी नहीं की है। दिखाना है एम्मी वो और बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख लो, ये है जुहू बीच के नज़ारे। ये रात का है, वैसे दिन में तो और अच्छे से दिखता है, ये रात में फिलहाल इतना दिख रहा है, देख लो। तो गाइज अब ना मम्मी को लेके जा रही हूँ अंदर, देखो छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं, पर मम्मी को बहुत डर लग रहा है। मित्तू के साथ मना कर दिया, अब मैं लेके जाऊंगी, चलो। मम्मी देखो देखो वाटक, देखो के छोटे बच्चे, बड़े बोल रही मैं भी। चलो चलो इतनी आगे कौन जाऊं तो किनारे ना ना ना। अच्छा ठीक है, मजा फिर नून क्यों देखो रे, देख ले के बात होगी, डर लग सगन दद पानी। अच्छा ठीक है, तो बच्चा ना कर ले, चल मत जावे। अरे मम्मी को दिक्कत है, मतलब डूब ना जा, तैरना ना आता, तेज पानी आवे है, मत जावे, चल फिर आगे तो नू मत के, ये बीच पे ना लेके गए रे, ये बिगा बस इतने में मम्मी के सिस्टम सेट। ये देखो भैया मुझे ना, मेरे को दे दो, इनके पास में खड़े थे बेचने के लिए, तो जाओ मेरे को दे दो। है? अभी ले लिया। है? अरे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। नो 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 नो, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो। ठीक है। अरे फुट्टा को दे दो, ड्रैग तो बना। बेटे। तो ये देख लो बीच से आगे ना, यहाँ पे ना चटाई बिछी हुई है सारी, ये देख लो इस टाइप से कुछ। तो हमने भी ना यहाँ पे चटाई ले ली है और बैठ गए हैं आराम से, और एमू को ना बलून से छीन लिया इसने तो, और बस अब जब से इसी से लगा है, इसको फोड़ के फिर मानेगा ये। और सामने बढ़िया है नजारा ना भाई, वो और ऊपर से आगे। ये क्या मंगवा लिया आपने? एक पोटैटो ट्विस्टर मंगवा दिया मम्मी को। मम्मी बोल, ज्यादा रो रहे थे ना, ठीक है ये तो इतना गहरा पानी तो रो ही, तो इतना गहरा पानी था बताइए, गड्ढा तो ऊपर पानी जा लिया और फिर भी आगे तक मारा नहीं जाने गया था, झूठ बोले मम्मी, यहाँ तक गया था फिर वेव्स के साथ ही यहाँ तक गया था, इतना पानी नहीं गया था, गड्ढा तक गनी पागल ने चाल को पानी डुबाना चाहती थी, गड्ढे को लगे भाई इतने गहरा और पानी देख के नहीं चकराए से आओ थे। एमू आपको भी खाना बेटा? हां देख रहे हैं, खाना है क्या आपको भी? नजर तो इस पे है, अब ये चाहिए इसको, बताओ अब इनको तोड़ देगा अगर दिलवा दिया तो। बेटा ये नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी हो जाए चाहे, खुश हो रहा मम्मी देख। हाँ वो दिख रहा है ना, एंड बेयर गाइस मैंने तो लिए भेलपुरी, और ये देखो क्या खाने लग रही है चंपा, ये मतलब ये भी बुढ़िया बार खाने की चीज है,
देख मम्मी धमका होनी पति भी के खास है एस पाछे आइसक्रीम ले ली है सासु वाली कति भी सड़ गई पता के खाए हो एक नंबर की चीज है ना एक नंबर की चीज से खा के देखो एक बार खाली सच में खा के देखो मस्त लग रही है ना तू ही खा ले ये देखो यहां तो हम बैठे हुए हैं और ये यहां मिले हमें हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर दिल्ली से ही है ये और इन्होंने पहचान लिया कि आप मेरे हस्बैंड की स्टूडियो है अच्छा ये ऑफिस में हरियाणा में अच्छा जी यमुना नगर अच्छा तो ये भी ना घूमने आए हुए हैं यहाँ पे किस किस कौन कौन ये सासू मेरे पापा जी हैं अच्छा अच्छा मेरी मम्मा है अच्छा नमस्ते आंटी ये मेरे हस्बैंड हैं अच्छा और ये मेरा भाई है हाय हाय ये लड़ाई कर रहा तू रे क्यों आ गई देखो ये जो बचपन में खाते थे ये बचपन हुई सतेर में तो इब्बी और मम्मी लगने लग ये देखो भाई यहाँ पे ये भी है सीगल मैन और ये देखो मैं बता रही थी ना कोई चैन के प्रोग्राम होने लग रहे हैं देखो ये चैन देखो और कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे वीडियो बना रहे तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंड स्टैंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग शाहरुख खान का घर और आप लोगों को भी दिखाएंगे और मम्मी थोड़ी नाराज चल रही थी जबरदस्ती इनको बीच में लेके गए ना पर इनका इतने दिन रहेंगे ना अभी इनका डर हम खोल देंगे लेके तो जाएंगे इनको बीच में अभी दिखाएंगे आप लोगों को भी घर और मम्मी को भी तो ये देख लो भाई शाहरुख खान का घर यही है बस बाहर से इतना ही दिखता है और पास से दिखाऊँ मैं वैसे वहाँ जाके हम फोटो वोटो भी ले सकते हैं ये देखो मन्नत लिखा हुआ है तो ये देख लो ये है भाई बिल्कुल क्लोज अप भी दिखा दिया और जब वो फोटो वोटो कुछ भी खिंचवाते हैं ना तो यहाँ से खिंचवाते हैं इधर आते हैं लोग तो देखो इधर था शाहरुख खान का घर और सामने है ये बीच ये देख लो इधर भी है बीच तो यहाँ देख लो मेरे पति को मतलब शॉपिंग करके छिके नहीं है यहाँ से फिर से शॉपिंग कर रहे हैं क्या क्या लिया है वहाँ की पसंद होनी चाहिए ना एक शॉर्ट्स लिया भाई और कुछ नहीं लिया मैं दिन में मॉल में भी गया था वहाँ भी मेरे को कुछ पसंद नहीं आया जो तो चाहिए थी वहाँ वो नहीं थी मेन चीज पर हमने ना लोकल वाले से ही लिया पर अच्छी मिली देखो रात का भी हमारी बालकनी से दिन का सुबह का तो मैंने दिखाया था रात को और दिखा देती हूँ कितना बढ़िया नज़ारा है देखो तो मैं और मम्मी आ गए थे घर पे एमओ को लेके एमओ सो गया था एमओ को सुला दिया अंदर और आज है हमारा बॉम्बे में लास्ट डे दो दिन हमने यहाँ पे स्टे किया बहुत मज़ा आया जितना एक्सप्लोर मतलब कर पाए उतना किया मतलब ये भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा घूमना ही घूमना है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही घर पे रहे जैसा कम्फर्टेबल लगा वैसे किया और अब मित्तू चले गए बाहर उनको थोड़ा घूमना फिरना था और मैं और मम्मी आ गए थे घर पे तो अब हम अपना खाना बनाएंगे खाएंगे उन्होंने मना कर दिया वो खाएंगे नहीं वो बाहर खा के आएंगे तो बस अब थोड़ा सा मैं और मम्मी टीवी देखेंगे मतलब कोई फिल्म हमने सोची है वो देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं हम जो ट्रैवल व्लॉग भी बना रहे हैं आप लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना क्या अच्छी चीज़ लग रही है क्या बुरी चीज़ लग रही है करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।